भाई 8 नंबर वाला सवाल पढ़ना है, मैं जो आपको समझा दूंगा, मैं जो आपको बता दूंगा, परीक्षा तक तो आपको गारंटी के साथ नहीं भूलेगा, उसके बाद अगर आप जानबूझकर चाहोगे भूलना ना, तभी आपको भूलेगा। तो मेरी वीडियो जो लोग देख चुके हैं वे लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, सीखेंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं एक बार आजमाने के लिए मेरी वीडियो देख लीजिए, 8 नंबर में पूरा आएगा, पूरा आएगा, ये मेरा वादा है, मेरा वादा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छे नंबरों के साथ पास होना है तो डिस्क्रिप्शन में 4 घंटे वाली वीडियो का लिंक दिया हूँ। एक पेपर मैंने पूरा हल किया है, वीडियो के अंदर पूरा पेपर मैंने हल किया, पूरा पेपर, थोड़ा नहीं, पूरा पेपर बहुविकल्पी से लेकर के आखिरी नंबर यानी 8 नंबर तक के क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ तक मैंने हल किया है। 4 घंटे यानी 3 घंटे 51 मिनट की वीडियो है, जो लड़का उस वीडियो को पूरा देखेगा उसका कल्याण हो जाएगा। और ये जो 8 नंबर का बताने वाला हूँ ना, यकीन मानो यार कि तुम्हें समझ में आ जाएगा, पूरी फुल गारंटी है समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन अगर नहीं आ रहा ये क्वेश्चन आपको तो रुक जाओ, अभी रुक जाओ, देख लो, ज़्यादा हम बतियाएंगे नहीं, तुरंत इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। एक बात बता देता हूँ सूचना के तौर पर, जो लोग यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं परीक्षा के बाद, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया, गूगल फॉर्म भर दें तो उनको मेरा कोर्स बहुत बड़ी छूट पर भी मिल जाएगा। प्लस कोर्स ज्वाइन करने से पहले 20 वीडियो, 2 उंगली दिखा रहा हूँ मतलब 2x10 कर लो, 20 वीडियो आपको फ्री में दूंगा। पहले देखना है, समझना है, विश्वास बनेगा, मन जमेगा, तालमेल खाएगा, तब जाके हमारा कोर्स आप ले सकते हैं। नहीं तो फ्री फंड में तो यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ा ही रहे हैं, हम भी पढ़ाते हैं। इधर देखिए, आ जाइए, काट इनवर्स इतना का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ये छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये 8 नंबर में आने वाला सवाल है। तो दुम दबा के एक जगह बैठ जाओ, बैठ के वीडियो देखो, टहलते हुए चाय की दुकान पे नहीं देखना है। देखो 1 2 3 4, 4 गो करड़ी बनी है, चारों के अंदर एक ही मटेरियल है, बस थोड़ा सा अंतर है, जानते हो क्या, प्लस और माइनस का। तो हम करड़ी के अंदर एक ही करड़ी को सॉल्व कर लेते हैं, और एक करड़ी को सॉल्व करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसी के आधार पर हम चारों का लिख देंगे। मतलब क्या है, जब 4 गो काम रहे एक ही जैसा, तो 1 गो काम जब कर लोगे तो बाकी 3ों कहोगे अरे यार ये भी ऐसे ही होगा, कहोगे ना, तो हम वही करने वाले हैं। देखो पहली वाली करड़ी को ले लेते हैं, 1 प्लस साइन x। अब ऐसा हम कुछ करें कमाल कि ये करड़ी ख़त्म हो जाए, गाना है ना, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊँ, ऐसा है कुछ ना, तो ये करड़ी कहता है कि कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो 1 की जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 into cos x/2, ये हो गया रूट के अंदर। ए भाई 1 की जगह पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, त्रिकोणमिति कभी अगर सपने में भी पढ़े होंगे आप तो जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो वैसे ही इसका और इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब 1 का वैल्यू ये हो गया, क्लियर हो गया भाई, अब नहीं समझाऊंगा। साइन एक्स को हाफ एंगल कोण में लिखेंगे 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब जरा इस करड़ी के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक एक नज़र से नज़र मिला के देखिए, ये देखिए ध्यान से, क्या है ये है a² + b² + 2ab, ये कक्षा 6 कलर का भी जानता है, आप भी जानते होंगे, a² + b² + 2ab को लिख देंगे a + b² यानी रूट के अंदर cos x/2 + sin x/2² आ। जब किसी करड़ी के अंदर होल स्क्वायर होता है तो करड़ी खत्म, स्क्वायर भी खत्म, वर्गमूल हो जाता चला। तो हम समझ गए कि ये फाइनली आ गया cos x/2 + sin x/2। सुनो मेरे बाबू मेरे भैया, ध्यान से देखो, इस करड़ी का वैल्यू हम लोग ऐसे हल करते 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 यहाँ पहुँच गए। मतलब ये कि इस करड़ी को हटाओ और इसकी जगह पर यही दोनों लिख दो, तो ठीक उसी तरीके से इसको 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 हटाओ और इसी स्टाइल में लिख दो। बस ध्यान रखना कि प्लस वाले में यहाँ प्लस डाल देना, माइनस वाले में यहाँ माइनस डाल देना,
हो जाएगा ना, हो जाएगा का याद रहेगा हमेशा, याद करेगा जमाना, 4 अप्रैल के हो जाओगे दीवाना। देखो इसको मान लेंगे वाई बराबर, तो वाई बराबर हो गया काट इनवर्स। अब इसको हटाना है, इसकी जगह पर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू लिख देंगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस चिन्ह लगाओ, इसकी जगह पर यही लिखेंगे परंतु यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। और नीचे ये देखो इसकी जगह पर भी सेम यही चीज आएगा, बताना नहीं है, केवल सीखो सीखो, टाइम दो मुझे, मुझे टाइम दोगे तो बहुत कुछ पाओगे। अब ध्यान देना चाहिए, यहाँ पहले माइनस चिन्ह लग गया, तो जब शुरुआत में माइनस चिन्ह लग जाएगा ना, तो इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस में कास, और यहाँ माइनस होने के नाते ये माइनस रहेगा, लेकिन इस माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन एक्स बाई टू। अब बेटा कट जाएगा, साइन से साइन प्लस माइनस के नाते कट गया, कास से कास प्लस माइनस के नाते कट गया, क्या बचा, कास प्लस कास टू कास एक्स बाई टू, वाई बराबर काट इनवर्स टू कास एक्स बाई टू। ऐसे यहाँ कास कास कट जाएगा, साइन और साइन जोड़ेंगे टू साइन एक्स बाई टू। अब बाबू टू से टू भी कट जाएगा अगली लाइन में ना, तो क्या होगा, कास बटे साइन काट इनवर्स, कास बटे साइन त्रिकोणमिति के अनुसार होता है काट एक्स बाई टू। अब काट इनवर्स और काट जब होंगे पास पास, काट इनवर्स और काट जब होंगे पास पास, तो हो जाएगा खलास, खलास का मतलब कट जाएगा दोनों, ठीक है, तो इज इक्वल टू एक्स बाई टू। ये किसका मान आया चला, ए वाई का, तो किनारे लिख लो वाई बराबर आ गया एक्स बाई टू। अभी तक मैंने तो त्रिकोणमिति हल किया है, और मुझे करना क्या था, अवकलन करना था, डिफरेंशिएशन करना था, तो अब x बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, अब बटे का 2 रह जाएगा, जहां है वहीं रह जाएगा वो, तो कर दो डिफरेंशिएशन, डिवाइड बाई डी एक्स बराबर x का 1 हो गया 1/2। एकदम बेटा आंसर आ गया, दिल खोल के मुझे तो बड़ी खुशी है कि मैंने आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझाया। जानते हो जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं खुद अपने आप को ये भी ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि यार मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इस वीडियो में मैं खुद अपने आप को अच्छा पढ़ा, मतलब खुद अच्छा पढ़ाया, मैं अपनी तारीफ भी कर दे रहा हूँ, लेकिन आप कैसा समझे, आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर तुम लिखोगे कमेंट्स में ना, अच्छा लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, खराब लिखोगे तो मुझे उसे सुधारने का मौका मिलेगा, तो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर कमेंट में लिख के मुझे बताओ, समझे, ज़रूर लिखिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, आगे मिलेंगे फिर कोई नई वीडियो के साथ, थैंक यू।